नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद में कुछ नए टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम कल जो पढ़ा था हमने उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम आज टेस्ट पर डिस्कस करेंगे। जो हाँ आपको टेस्ट दिया हुआ था कि आपको ये सॉल्यूशन करना, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना था। ठीक है, सबसे पहले हम फटाफट रिविजन कर लेते हैं 2 मिनट में जल्दी सी। जिनको कुछ बातें नहीं समझ में आई थी उनको भी पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमारे सामने हमने सबसे पहले पढ़ा था इवन नंबर यानी कि सम संख्या पढ़ी थी और सम संख्या आप सभी को बताई थी मैंने। सम संख्या क्या होती है कि जिसको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सभी क्या होती है अपनी सम नंबर से इवन इवन नंबर होती है। और मैंने बताया था इकाई का अंक वंश जो डिजिट हो आपकी क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपका इकाई का अंक या वंश डिजिट हो तो वो संख्या क्या होगी आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित विभाजित होगी। इसका मीन्स कि वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। और अगर कोई नंबर 2 से अगर पूर्णतः विभाजित होती है या कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होती है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल्स पर डिस्कस किया था, उसके बाद हमने देखा था ओड नंबर्स, ओड नंबर से विषम संख्या। ओड नंबर से विषम संख्या कौन सी होती है वो नंबर जो नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो यानी कि ऐसे नंबर जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए या फिर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होती है। इसके बारे में हमने एक ट्रिक सीखी थी कि अगर आपका इकाई का या वंश डिजिट आपको क्या हो आपका 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी हमारी ओड नंबर या विषम संख्या कहलाएगी। फिर आती है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। हमने देखा था भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वो नंबर होती है किसी भी नंबर के अंदर आप डिवाइड करोगे तो 1 का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा जो नंबर होती है उस नंबर का भी डिवाइड जाएगा। इसके अलावा अगर कम से कम आपको अगर एक अतिरिक्त संख्या मिल जाए यानी कि आपको केवल 1 अगर नंबर चाहिए कि अगर उसका डिवाइड भी चला जाए तो वो संख्या क्या होगी आपकी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होगी। जैसे यहाँ पर हमने 4 के बारे में डिस्कस किया, 4 के अंदर 1 का डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड जाता है और 4 का डिवाइड जाता है तो 1 और 4 का तो इसको तो छोड़ दो। इसके अलावा देखो आपके पास 2 और रह गया तो यानी आपको तो कम से कम एक नंबर चाहिए यानी कि आपके पास अगर 1 नंबर भी ऐसा मिल जाए जिसका डिवाइड जाए तो वो संख्या क्या होती है भाज्य संख्या होती है। इसी तरह 24 हमारी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या थी, इसी तरह हमारी जो 10 ये हमारी कंपोजिट या भाज्य संख्या थी। फिर हमने बात की अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कौन सी नंबर्स होती है वो नंबर्स जिनके अंदर केवल एक और केवल जो आपके पास नंबर तो दी हुई है केवल उसी का क्या जाए भाग जाए। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या ऐसी नहीं हो जिसका इसके अंदर डिवाइड या भाग जाए यानी कि नॉट एनी अदर नंबर विच डिविजिबल बाई दिस नंबर यानी कि कोई भी ऐसे नंबर नहीं हो या फिर कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो जिसका इसके अंदर डिवाइड जाए या इसका भाग जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या। केवल कितनी होनी चाहिए 2 नंबर, कौन सी 1 तो 1 और 1 कौन सी होनी चाहिए जो आपको नंबर दे रखी है केवल वही। जैसे एग्जाम्पल हमने बात की थी 7, 7 के अंदर केवल 1 और केवल 7 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका इसके अंदर डिवाइड जाता है तो 7 कैसी होगी एक अभाज्य संख्या या प्राइम संख्या होगी। इसी तरह अपने 19 में केवल 1 और 19 का डिवाइड जाता है क्या, इसके अलावा कोई भी नंबर है आपका ओके सर कोई भी नंबर नहीं है तो ये नंबर क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। लेकिन जब हम 33 पे बात किए तो 33 पे हमारे पास 1 का इसके अंदर डिवाइड जाता है 33 का जाता है, इनके अलावा भी 11 और 3 का भी इसके अंदर डिवाइड जाता है। और अगर 11 और 3 का डिवाइड जा रहा है हमें तो कम से कम एक चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर है आप ओके सर यहाँ पर तो 2 नंबर आ गई तो यानी कि ये नंबर क्या कहलाएगी आपकी ये नंबर आपकी कहलाएगी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। कई कभी कभी आपको क्या लिखा मिलेगा अभाज्य संख्या की जगह, अभाज्य संख्या की जगह मिलेगा आपको रूट संख्या भी लिखा हुआ मिलेगा। रूट संख्या आपको लिखा हुआ मिल सकता है, रूट संख्या मिल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस किया था हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया था भाज्य अभाज्य यानी कि कंपोजिट और प्राइम नंबर के कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो हमें याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास था सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है तो आप कहोगे सर 2 होती है क्योंकि 1 तो ना प्राइम होती है ना ही क्या होती है कंपोजिट होती है यानी कि ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होती है कौन 1, तो 1 नहीं होती तो 1 के बाद में कौन होता है आप कहोगे सर 1 के बाद में तो होता है 2 और 2 कैसी है एक इवन नंबर भी है यानी सम संख्या भी है और 2 एक प्राइम नंबर भी है अभाज्य संख्या भी। कैसे पता किया कि 2 के अंदर केवल 1 और 2 का डिवाइड जाता है, माइक ऑफ करो, 2 के अंदर केवल 1 और 2 का डिवाइड जाता है इसके अलावा किसी भी नंबर का इसके अंदर डिवाइड नहीं जाता। अब जब किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता केवल 2 ही नंबर ऐसी है एक 1 और एक 2 तो 2 आपकी क्या हो जाएगी एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर हो जाएगी और 2 एक इवन नंबर भी है सम संख्या भी है। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करना है ना, माइक
स्क्रीन शो नहीं कर रही। अभी अभी बताओ मयंक, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके गुड। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? तो आप कहोगे 2, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा वह संख्या जो सम होके भी क्या हो, अभाज्य हो, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है, इसका मींस कि इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों साथ में है, तो वो नंबर भी कौन सी आपकी 2, क्योंकि 2 एक इवन नंबर भी है और साथ में 2 आपकी प्राइम नंबर भी है। इसके बाद में नो अदर इवन नंबर शुड बी प्राइम नंबर, नो अदर इवन नंबर भी शुड बी प्राइम नंबर, यानी कि आपके जो आपका 2 है ना, 2 इस 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या या इवन नंबर नहीं है जो क्या हो, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इवन नंबर या सम संख्या है तो उसके अंदर तो 2 का डिवाइड जाएगा, और 2 का डिवाइड जाएगा तो आपके पास कितने नंबर हो जाएगी, 3 नंबर। कैसे? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, यहां पर एक एग्जांपल लिया था जैसे 88 आपके पास क्या है, इवन नंबर है। कैसे पता है? क्या लास्ट में हमने देखा इकाई का जो अंक या यूनिट डिजिट आपकी क्या है 8, तो ये क्या हो गया आपके पास सम संख्या हो गई। सम संख्या होने का मतलब इसमें 1 और 88 का तो डिवाइड जाएगा। अब इनके अलावा अगर आपको एक भी ऐसा नंबर या कम से कम एक नंबर यानी कि 1 ऐसा नंबर मिल जाए कि आपको उसके अंदर डिवाइड जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, कंपोजिट या भाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 2 का डिवाइड जाएगा, और जब 2 का डिवाइड जाएगा तो वो संख्या क्या नहीं हो सकती, आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो इस बात का आपको याद रखना है कि 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर या सम संख्या नहीं है जो क्या होती हो, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होती हो, यानी कि सभी इवन नंबर्स किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर क्या होती है, आपकी कंपोजिट या भाज्य संख्या होती है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि 2 के अलावा या 2 के अतिरिक्त सम संख्याएं होती है, यानी कि इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 इज, आप क्या कहोगे, सर वो तो कंपोजिट या आपकी भाज्य संख्या होती है, लेकिन 2 क्या होती है, 2 आपकी इवन नंबर भी सम संख्या भी है और साथ में आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या भी है। फिर हमने देखा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य विषम अभाज्य संख्या, यानी कि वो विषम भी हो यानी कि ओड भी हो और साथ में अभाज्य भी हो, प्राइम नंबर भी हो, तो ओड और प्राइम दोनों हो, यानी कि विषम और अभाज्य दोनों हो, तो आप कहोगे सर सबसे छोटा जो विषम नंबर होता है वो कौन सा होता है, आप कहोगे सर 1। लेकिन मैं कहूंगा 1 जो होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, यानी कि वो ना तो कंपोजिट होता है ना ही वो प्राइम नंबर होता है, इसलिए आप 1 को तो काउंट कर नहीं सकते। तो 1 के बाद में कौन सी आती है विषम संख्या, ओड नंबर, आप कहोगे सर वो तो 3 आता है। तो मैं कहूंगा क्या 3 अभाज्य है भाज्य, तो आप कहोगे सर 3 तो एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके अंदर केवल 1 और 3 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी भी अन्य नंबर का या फिर अदर नंबर का उसके अंदर डिवाइड या भाग नहीं जाता है। तो आपका क्या हो गया, 3 ऐसी नंबर है जो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी कि वो नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है, तो आप कहोगे सर वो तो 2 है। क्या 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर हो सकती है, आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर होने का मतलब ही क्या है कि उसके अंदर 2 का डिवाइड या 2 का भाग जाएगा, और जब 2 का भाग जाएगा तो उसके पास तो कम से कम 3 नंबर हो जाएगी, एक तो एक वो जो नंबर खुद है और इसके अलावा एक 2, तो आपके पास जब 3 नंबर मिल गई तो आप 3 नंबर मिल गई तो आप उसको प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कह ही नहीं सकते, वो नंबर तो क्या हो जाएगी आपकी कंपोजिट या आपकी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 6, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, यानी कि नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, यानी कि एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में जो हमने देखा था पॉइंट नंबर 7, वो था कि 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने होती है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर 25 होती है। कौन कौन सी होती है, मैंने कहा सबसे पहले 1 टू 10 वाली लाइन में 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, फिर सेकंड लाइन में 11, 13, 17, 19, थर्ड लाइन में 23, 29, 23 और 29, फिर अगले लाइन में 31, 37, 31 और 37, नेक्स्ट लाइन में 41, 43, 47, 41, 43, 47, उसके बाद में 53, 59, 53 और 59, उसके बाद में 61, 67, 61, 67, उसके बाद में 71, 73, 79, यानी कि 71, 73 और 89, उसके बाद में 83, 89, 83 और 89, और उसके बाद में 97, यानी कि 97। और ये आपको हर रोज आपको पढ़नी है एक बार की, ये आपको एक पेज में लिख लो और या फिर जहां भी आपका नोटबुक हो उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर ऊपर लिख लो या उसके ऊपर चिपका लो, ऐसे एक एक पन्ना रखो या फिर अपनी जेब में रख लो या फिर किसी बुक के अंदर रख लो, बस उसको खोला एक बार पढ़ लिया सारी, बस एक बार जब भी आपको दिखे आप उसको एक बार फटाफट रीड लगा दो, आपको ये जल्दी से याद हो जाएगी। और ये आपको याद रखनी है, लर्न क्यों रखनी है, क्योंकि वहां पे आपके पास में जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास में, आप क्या कर सकते हो फटाफट से आप ये बता सकते हो कि ये भाज्य या अभाज्य या कंपोजिट या प्राइम, जल्दी से बता दो अगर आपको पता होगा तो, नहीं फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो
तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा डिवीजन कर लिया पूरा। अब हम बात करते हैं हमारे टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये क्वेश्चन आपको दिए थे कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाने हैं, जिसमें से हमने विषम और सम संख्या यानी कि ओड और इवन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कि हमने केवल क्या देखा था, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट देखी थी। और सबसे पहले हमने देखा कि ये आपका ओड ग्रुप में से है, ये आपका इवन ग्रुप में से, इवन ग्रुप में से होगा तो वो सम संख्या इवन नंबर होगी, और अगर ओड या विषम के ग्रुप में से होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ओड या विषम संख्या हो जाएगी। फिर हमने कुछ फाइव नंबर से हमने क्या पता कर लिया था कि वो संख्या प्राइम या कंपोजिट के बारे में भी हमने पता कर लिया था। जैसे 15 में 1, 15, 3 और 5 का डिवाइड जाता है, यानी कि 1 और 15 के अलावा भी कुछ नंबर्स आ गई तो ये नंबर क्या हो गया, आपकी कंपोजिट हो गई। 18 में 1 और 18 के अलावा कुछ नंबर्स का डिवाइड जाता है, इसका मींस कि ये नंबर क्या हो गई, कंपोजिट। यहाँ पे 1 और 20 के अलावा कुछ ऐसे नंबर है जिनका इसके अंदर डिवाइड जाता है, तो ये नंबर भी क्या हो गया, आपकी कंपोजिट। लेकिन जब 11 की बात की हमने, तो 11 में केवल और केवल किसका जाता है, 1 और 11 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब इवन क्या है, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। 17 भी इसी तरह थी, तो 17 भी आपकी क्या हो गई, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो 7, 9, 13, 16, 23। सबसे पहले आयुष अपना माइक ऑन करो। यस सर। आप ये बताओ कि जो आपके पास 7 है, इसमें किस किस नंबर्स का इसके अंदर डिवाइड या भाग जाएगा? सर 107। इसके अलावा? सर इसके अलावा कोई नहीं। तो ये नंबर आपकी कैसी हो गई, कंपोजिट या प्राइम? सर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि इसमें केवल दो ही नंबर्स का डिवाइड जा रहे हैं। ठीक है, गुड, शाबाश। मयंक अपना माइक ऑन करो। आयुष अपना माइक ऑफ करो। मयंक अपना माइक ऑन करो। मयंक अपना माइक ऑन करो। सर कर लिया। अब बताओ इसमें किस किस का डिवाइड जाएगा, ये किस किस का भाग जाएगा? सर इसमें 2 का जाएगा, 1 का जाएगा। वन, सबसे पहले 1 बोलो, फिर 16 बोलो। मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। मयंक मेरी बात सुनो, आप सबसे पहले कहोगे कि इसमें 1 और 16 का जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये कहना है, क्या कहोगे? पहले 1 का जाएगा, फिर 16 का जाएगा। हाँ, ये दो तो सबसे पहले फिक्स कर दो कि इन दो का तो 100 और 1% जाएगा। अब उसके बाद में हम पता करते हैं। बताओ 2 का जाएगा। ठीक है, 2। फिर सर 4 का जाएगा। 4 सर, फिर 8 का जाएगा। 8 का जाएगा। और कोई है? यस सर 16। नहीं सर अब नहीं है। अब नहीं है तो ये नंबर कैसी है, एक प्राइम या कंपोजिट, भाजे या अभाजे? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्यों है ये? क्योंकि इसमें 3 और है, यानी कि इन दो के अलावा 1 और 16 के अलावा भी कुछ ऐसी नंबर्स हैं जिनका इसके अंदर डिवाइड जाएगा। क्या तो जाएगा बोला, 1 और 16 के अलावा भी कुछ ऐसी नंबर्स हैं जिसका इसके अंदर डिवाइड जा रहा है, और अगर इनके अलावा अगर कोई और नंबर मिल जाए तो फिर हम तो उसको कंपोजिट या भाज्य संख्या कहेंगे। गुड। इसके बाद में माइक ऑन करेंगे अरिहंत। अपना माइक ऑन करो। और इसमें मेरे को बताओ किस किस का इसके अंदर डिवाइड जाएगा? 23 का। सबसे पहले 1 बोलो, उसके बाद में 23 बोलो। ये दो तो फिक्स हो गए, इसके अलावा बताओ? इसके अलावा बताओ कोई और नंबर है? नो सर। क्या नो सर?
होती है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जिसका 23 में डिवाइड जाएगा? नो सर। तो ये नंबर कैसी हो गई, प्राइम या कॉम्पोजिट, बाजे या बाजे? प्राइम। प्राइम, जिसे हिंदी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अबाजे। गुड, माइक ऑफ करो। इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपके, रघुवीर माइक ऑन करो। क्या रघुवीर जुड़े? शायद रघुवीर नहीं जुड़े। अंश अपना माइक ऑन करो, अंश राज बात कर। अंशराज बात कर, अपना माइक ऑन करो और मेरे को बताओ इसमें किस किस का डिवाइड जाएगा? सर सर नाइन में। गुड, नाइन में। सर सर वन में। हाँ सर, नाइन में। और सर थ्री में। और सर और नहीं जाएगा? तो ये दो तो इसकी फिक्स्ड है। यस सर। अब बताओ तो ये नंबर कैसी है, प्राइम या कॉम्पोजिट? सर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर क्यों है ये? सर क्योंकि इसमें थ्री बार निकलने हैं। और क्योंकि इसके अंदर वन और नाइन जो फिक्स्ड नंबर थी, देखो वन और जो नाइन है ना ये इसकी फिक्स्ड नंबर है। जैसे सेवन में वन और सेवन फिक्स्ड है, सिक्सटीन में वन और सिक्सटीन फिक्स है, 23 में 1 और 23 फिक्स्ड है। इन फिक्स्ड नंबर के यानी कि जो फिक्स है उन नंबर के अलावा अगर नंबर मिले तो फिर आपकी कंपोजिट होगी। कंपोजिट को हिंदी में क्या कहते हैं बता दो फटाफट। भाज्य। भाज्य, शाबाश, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट जो हमारा माइक ऑफ करेंगे वो करेंगे मेवाड़ा मिठेश भाई, अंश। यस सर। बताओ किस किस का डिवाइड जाएगा इसमें? सिक्सटीन का। मैं थर्टीन का पूछ, थर्टीन में पूछ। बताओ। टू का। टू का। सबसे पहले वन, सबसे पहले वन। वन। वन के बाद में थर्टीन। और बताओ। फोर। ये तो फिक्स्ड हो गई, इसके अलावा बताओ और कौन से नंबर है जिसका इसके अंदर डिवाइड जा सकता है? फोर। फोर का? क्या फोर की टेबल में थर्टीन आता है काउंट करना? फोर की टेबल में थर्टीन नहीं आता। यहाँ पे देख के बताओ क्या यहाँ पे थर्टीन है? क्या यहाँ पे थर्टीन है? नो सर। अरे ये रहा, कैसे नहीं है, मिला क्या थर्टीन? मिटेश भाई थर्टीन मिला? यस सर। और ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स है तो इसके अंदर केवल 1 और 13 के अलावा किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। और जब फिक्स नंबर के अलावा अगर किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता तो वो नंबर क्या कहलाती है? बोलो मुझे भाई, बोलो। प्राइम। प्राइम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अबाज्य। तेना फिर ओटा पर ठीक ही करे तो कोनी है गलत की सही आराम कर आप के हमें टाइम मिले तो ही बिना काम जल्दी हमेशा करा के वो आराम कर आराम कर
What happened, sir? इसके बाद में भूमि अपना माइक ऑन करो। हेलो सर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, आप एक काम करो, आप मुझे बताओ 27 के बारे में बताओ। कौन कौन से नंबर्स है? 1 3 नहीं, पहले 27, ये फिक्स जो फिक्स नंबर है ना, उनको सबसे पहले लिखो। 3 9 9 और नहीं है, और नहीं है, तो ये नंबर आपकी कैसी हो गई? आप इसे क्या कहोगे, प्राइम, कंपोजिट, बाजे, अबाजे, क्या कहोगे इसे? कंपोजिट। कंपोजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य संख्या। गुड। नेक्स्ट अपना जो माइक ऑन करेंगे वो करेंगे राधिका। राधिका, आप मुझे 34 के बारे में बताओ। सर, 34, ये तो आपकी होगी फिक्स्ड नंबर। इसके अलावा और है क्या? सर 17 और है? सर नहीं है। कैसे नहीं है? ये इवन नंबर नहीं है क्या? ये इवन नंबर नहीं है? आप इस 4 से पता नहीं कर सकते इवन नंबर है? Yes, राधिका, हाँ, तो इवन नंबर हो तो किसका डिवाइड जाएगा? 2 का। अब बताओ तो ये कैसी होगी, एक प्राइम या कंपोजिट या भाज्य? भाज्य। भाज्य। भाज्य संख्या हो गई, और भाज्य संख्या को हम क्या कह सकते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट। नेक्स्ट अपना जो माइक ऑन करेंगे वो करेंगे अपने माइक हो गए, दक्ष अपना माइक ऑन करो और आप मुझे 35 के बारे में बताओ। 1 1 35 5 ये तो हो गए फिक्स्ड नंबर 5। 7 7 क्या और नंबर है ऐसी? नहीं है। तो ये नंबर आपकी कैसी हो गई, कंपोजिट, प्राइम, भाज्य, अभाज्य, ये कैसी हो गई आपकी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गई ना? यस। भाज्य लिख दूं यहाँ पे? Yes. ये लो भाई जी लिख दिया। चलो नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो है प्रिंस। अपना माइक ऑन करो और मुझे प्रिंस बताएंगे 25 के बारे में बताएंगे। यस सर। बताओ 25 के बारे में। 1 1 1 25 25 ये दो तो कैसे नंबर हो गए, फिक्स नंबर? यस सर। इसके अलावा बताओ। 5 5 और बताओ। बस। तो ये नंबर कैसी हो गई, कंपोजिट हो गई? यस सर। कंपोजिट क्यों हो गई ये? ये नंबर कंपोजिट क्यों हो गई बता सकते हो? ये नंबर कंपोजिट क्यों हो गई बताओ।
क्योंकि इसके अंदर जो फिक्स नंबर थे 1 और 25 उनके अलावा आपको एक नंबर और मिल गई 5 इसके अंदर डिवाइड आ रहा है ठीक है ओके अरिहंत अपना माइक ऑन करो यस सर आप मुझे 29 के बारे में बताओ चलो बताओ इसमें किस किस का डिवाइड जाएगा One, 29, ये तो फिक्स्ड हो गई सर एक ही होगी दो ही होगी तो ये नंबर कैसी हो गई प्राइम प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं अभाज्य अभाज्य रिधिमा अपना माइक ऑन करो यस सर अभी पूछते हैं आपसे इनको नीचे लाते हैं अब बताओ 30 के बारे में बताओ आप सो वन थर्टी ये तो फिक्स्ड हो गए इसके अलावा बताओ सर टेन एंड थ्री ये कैसे नंबर हो गई क्या कहोगे इस नंबर को आप 30 को सर कॉम्पोजिट कहोगे और कॉम्पोजिट का मीन्स क्या होता है भाज्य क्या ये यहाँ पे सही लिखा है मैंने यस सर ओके माइक ऑफ कर बताओ सर इसमें पांच का भी डिवाइड होगा किसके अंदर 30 में यस सर हाँ 30 में देखो और बताता हूँ 5 का हो रहा है 6 का हो रहा है 2 भी हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं 15 में भी होगा अरे अभी 50 लिखने तो दो रुको एक बार माइक ऑफ करो किसकी बात कर रहे हो आप सर 15 15 और इसकी 15 क्या मेरे को सुनाई दे 50 का भी होगा डिवाइड तो ये तो इसके पास तो बहुत सारे नंबर हैं और ढूंढो और अगर मिलता है 30 के मैं तेरे में आगे का नंबर लिखता हूँ 53 57 और बता करो 53 57 हाँ चेक कर लो तो मैं नंबर लिख रहा हूँ उनके अंदर जल्दी से ताकि फिर मैं आपसे पूछ लूँ ना उत्तम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक उत्तम जल्दी से सभी बच्चे चेक कर लो ना मैं एक एक का फिर नाम बोलता हूँ जिनसे पूछता हूँ वो बताना मेरे को 53 चलो चलो 53 का मैं बता देता हूँ फटाफट इन सभी का आप देखते रहना अगर कहीं कोई लिखा नहीं जाए तो आप बताना 53 में 1 का होगा और 53 का होगा दूसरी बात हमें ये भी चेक कर लेना है क्या ये इनमें से तो नहीं है 53 तो हमने देखा कि 53 तो इनमें से है तो 53 क्या हो गई अभाज्य संख्या और प्राइम या अभाज्य होने पर तो इसके अंदर केवल किसका जाएगा आपका 53 का ही जाएगा इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर होगी नहीं तो ये तो फिक्स नंबर है और जहां भी हमें फिक्स नंबर मिल जाती है उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स या हम कह सकते हैं कि इन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे कौन सी नंबर्स हो गई ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई आगे बढ़ते हैं 57 में सबसे पहले 1 उसके बाद में कौन सा आ जाएगा 57 आ जाएगा
इसके बाद में चेक करो जल्दी सी, हमने एक बार सभी में 50 सब ठीक आ जाएगा। नहीं माइक ऑन नहीं करना ना, 90 का जाएगा 90। अरे माइक ऑन नहीं करना, ऐसे माइक ऑन करोगे तो फिर क्लास के अंदर सभी बोलने लग जाएंगे। अपने माइंड में रखो, जब मैं नहीं लिखूं वो आपने जो सोचा है तब मेरे को बताना। ये मैंने सभी की फिक्स नंबर लिख दी, जल्दी से सभी चेक कर लो फिर मैं पूछ लेता हूँ। इसका इसका बता देता हूँ, जैसे बता दिया इसका, तो जैसे इसके अंदर 3 का हो रहा है क्योंकि 19 3 से 57 होते हैं ना, तो यहाँ पे 19 हो गया। क्या इसके अलावा कोई और भी होगा हमारा, तो हम कहेंगे कि 57 तो केवल 1 57 3 और 19, क्योंकि 19 3 से 57 है, उसके अलावा कोई इसका होगा नहीं। तो ये आपकी कैसी हो गई, आपको सर ये तो कंपोजिट नंबर हो गई, क्योंकि इसके अंदर फिक्स नंबर के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर है जिसका इसके अंदर भाग जा रहा है, डिविजिबल है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, कंपोजिट नंबर हो गई। जल्दी से माइक ऑन करेंगे, अंशराज भास्कर और अंशराज भास्कर माइक ऑन करेंगे सबसे पहले, और अंशराज भास्कर के साथ में माइक ऑन करेंगे हमारे दक्ष, दोनों माइक ऑन कर लो और जल्दी से मुझे बता दो 62 में किस किस का डिवाइड जाएगा। एक पहले एक बोलेगा, फिर एक रुकेगा, फिर दूसरा बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। बताओ दक्ष। 2 का, ठीक है बताते जाओ। और अंश आपको पता रखना है, जब ये दक्ष जो बात नहीं लिखवाए वो फिर आपको लिखवा देना है। हाँ और बताओ अंश, आप बताओ। रिधिमा आप बताओ। रिधिमा आप बताओ। भूमि आप बताओ। बाकी सभी अपना माइक ऑफ कर लो फिर। भूमि अपना माइक बताओ इसके अंदर। फोर का पक्का देख लो, इसके अंदर 4 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 4 का 64 में जाता है। देखो 2 का, इसके अंदर हमें पता है कि ये इवन नंबर है इसलिए 2 का जाएगा। और अब माइक ऑफ कर लो, मैं बता देता हूँ, इवन नंबर है 2 का जाएगा। 2 का कितने टाइम्स जाएगा, 2 का आपको सर 31 टाइम्स जाएगा। तो ये कौन सा आ गया, 2 आ गया, 31 आ गया, और इसके अलावा कोई और होगा नहीं। अगर कोई और आए तो आप बताना मेरे को। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये भी एक प्रकार की कैसी हो गई, कंपोजिट नंबर हो गई, क्योंकि फिक्स नंबर के अलावा कुछ और नंबर्स यहाँ पे मिल गए ना। 2 हो गया, इसके अलावा 31 हो गया, और 4 का तो होगा नहीं क्योंकि 4 का तो 64 में होता है, 62 में 4 का डिवाइड जा नहीं सकता, और इवन नंबर इसलिए 2 का जाएगा। और 2 का कितने टाइम्स, 31 टाइम्स, तो इसका मीन्स कि 31 का भी इसके अंदर डिवाइड जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि और आप कैसे पता कर सकते हो, वो भी बताएंगे ना। अब यहाँ पे 87 की बात करते हैं, 1 आ गया, 87 आ गया। अब 87 देख लो, आपको याद रहनी चाहिए। देखो इसके अंदर 87 आपको दिखाई दे रहा है, आपको सर 87 तो नहीं है, इसका मीन 87 किस नंबर है, 87 आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, पता करो किसके अंदर जाएगा। तो आप कहोगे सर 87 आता है 19 के टेबल में, 19 के टेबल में आता है ना, नहीं 19 के टेबल में नहीं आता, 29 के टेबल में आता है। किस में आता है, 19 में नहीं, 29 में आता है। 19 के टेबल में कौन आता है, 57, और 29 के टेबल में कौन आ जाएगा, 87। तो 29 और 29 कितना, 29 3 जा 87। तो ये आपकी एक प्रकार की कैसी नंबर हो गई, आप कहोगे सर ये तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो गई। और इसके अलावा और देखते हैं कुछ आपको जो इनमें से ना, ये आपको लाइन भी रखनी है। इसके अलावा 193 में तो आप देखते ही कहोगे सर यहाँ पर तो 3 दिख रहा है क्योंकि 3 का 9 में भी जाएगा और 1 में भी जाएगा, तो 3 हो गया। और कितनी टाइम्स जाएगा, आप कहोगे सर 31 टाइम्स जाएगा। इसके अलावा अंदर कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर भी कैसी हो गई आपकी, कंपोजिट हो गई। क्योंकि कंपोजिट होने का मतलब क्या है कि कम से कम फिक्स नंबर के अलावा आपको एक नंबर और मिलना चाहिए ऐसा जिसका अंदर इसके अंदर डिवाइड जाता है। फिर 19 का तो आपको सर 19 का तो 1 और 19 दो ही ऐसे नंबर है जिसके इसके अंदर डिवाइड जाएगा, तो 19 भी कैसे हो गया, 19 आपको सर 19 तो एक प्राइम नंबर हो गया, 19 कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया यानी कि अभाज्य संख्या हो गया।
तो इस तरह ये आपको पता भी रहना चाहिए और याद भी रहना चाहिए कि ये आपकी कंपोजिट है, इसके अंदर इस इसका डिवाइड जाता है और ये नंबर्स हैं। तो हमने आप क्या किया, मैंने आप सभी क्वेश्चन आपके सोल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चन हमने कल सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने आज सोल्व कर लिए। तो अगर इसमें अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं इनमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो कि मेरे को सर ये वाली बात आपको पूछनी है। आपके पास एक मिनट है अगर किसी को कुछ पूछना है तो। जल्दी से बता दो किसी को कोई सा भी क्वेश्चन इसमें पूछना है। और उत्तम अपना माइक ऑन कर सकते हो। देखो 6:27 हो गए और इसके बाद में हम बात करते हैं आज के इस टेस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मंडे को करें इस पे डिस्कस, एक बार पूछ लेते सभी स्टूडेंट से। उत्तम तो इसमें ज्वाइन ही नहीं है। हम सभी बाकी जो हमारा टेस्ट है उसको मंडे को डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा टेस्ट है वो हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे पूरा टेस्ट। और इसके बारे इसके अलावा आपको सभी को पता ही है टेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डिंग्स है, सभी आपको बताई भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने पूरे मन से और पूरे ध्यान से इसे समझा होगा। आपको इस क्लास को रिविजन करना है और जो बताया हुआ वर्क है वो भी आपको पूरा करना है। तो धन्यवाद आज सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में जुड़ने के लिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारी अगली क्लास में।